हाँ तो प्रिय स्टूडेंट नमस्ते। और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5.1। चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणियाँ, और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, इसका पहले नंबर का सवाल है। अब पहले नंबर का सवाल है, इसमें लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया कोमा, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8। तो देखिए, पढ़ने में बिल्कुल थोड़ा टफ सा सवाल लग रहा है, बिल्कुल सरल है, और आज ही स्टार्ट करवा रहा है इसको। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज 5.1 का जो पहले नंबर का सवाल है, इसके बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ, और आप इसको सवाल को ताल लीजिए। निकाल लीजिए, आप देखो इसको थोड़ा समझा। इसमें देखो कह रहा है वो, मान लो इसमें लिखा है कि 1 किलोमीटर चल रहा है। मान लो जहां से 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया ले रहा है? वो ₹15 ले रहा है। कितना रुपये ले रहा है? ₹15। अब मान लो 1 किलोमीटर से अब आगे के लिए चल रहा है, भले ही वो आधा किलोमीटर जाए या 1 किलोमीटर ही जाए फुल, वो किराया ₹8 अतिरिक्त ले रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपये है? ₹8। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? ₹8। तो कितना किलोमीटर है? ₹8। देखो, मैं अभी सवाल नहीं करा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कराया, सवाल ना ही मैं करा रहा हूँ, अभी बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। सवाल कराऊंगा तो तुम क्लियर समझ में आ ही जाएगा, देखते हैं। तो इधर मान लो 1 किलोमीटर और बढ़ा, 1 किलोमीटर और बढ़ा, तो इधर 1 किलोमीटर के लिए ₹8 ले रहा है, फिर इधर भी ₹8 लेगा। कुल मिला के जो है कि 1 किलोमीटर जब चलेगा तो प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 लेगा। अब इसके अलावा 1 किलोमीटर और चलता है तो कितने रुपए किराया बनेगा उसका? ₹8। अगर 2 किलोमीटर चल गया तो ₹15 में ₹8 जोड़ के फिर ₹8 और बढ़ाएगा। तो इसमें कंडीशन कैसी होती है? इसमें प्रथम पद होता है, इसको ये मानते हैं। जब सार्वांतर होता है तो इसको डी मानते हैं। अगर सार्वांतर ज्यादा हो गया तो मान लो, जब भी तो एक सार्वांतर होगा तो डी आगा, ऐसे इसको डी वन मानते हैं, तो एक सार्वांतर है तो डी मानते हैं। मान लो अगर 2 सार्वांतर होंगे तो D1 और D2 और D3 और D4 और D5 ऐसे बढ़ता चलता है, ठीक है? तो जी बिल्कुल अभी समझाया है मैंने, सवाल बिल्कुल नहीं बताया है, देख लीजिए। अब देखते हैं सवाल की कंडीशन। कंडीशन क्या है? सवाल बोल रहा है कि, सवाल मैंने मिटा दिया है, रिमूव कर दिया है, बोल रहा है सवाल कि प्रथम किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 है। तो लिख देते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, लिख देते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपये कितना? ₹15। अब कह रहा है वो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8, तो इसको भी लिख देते हैं प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, लिख देते हैं प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया किराया कितना है? ₹8 बराबर ₹8। अब देखिए, जब 1 किलोमीटर चल रहा है तो ₹15 लेगा, जब इसके बाद प्रथम किलोमीटर के लिए लेगा ₹15, इसके बाद 1 किलोमीटर चलेगा या 2 किलोमीटर चलेगा तो ₹8 और बढ़ता चला जाएगा। तो देखते हैं कंडीशन बोलते हैं, 1 किलो 2 किलो देते, प्रथम किलोमीटर का 15, 2 किलोमीटर का 2 किलो
मीटर का किराया? देखो प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये था, और 2 किलोमीटर के लिए तो 15 और बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 15 और 8 कितने होते हैं? 23। ठीक है, 8 5 13 3 यहां से ले, 1 1 2 23। अब 3 किलोमीटर के लिए किराया बराबर, समझ में आ रहा है क्या? देखो प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये, अब यहां से 1 किलोमीटर और बढ़ेगा, दूसरा किलोमीटर लगेगा, जहां से दूसरा किलोमीटर लगेगा तो 8 रुपये, और तो बराबर कितना हो जाएगा? 23 रुपये। अब जहां से 1 किलोमीटर और बढ़ेगा तो यानी कि 8 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, तो कितने? 23 और 8 कितने हो जाएंगे? 8 3 11 1 31। अब जहां से और 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर और बढ़ेगा तो 8 रुपये और लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 39। ऐसे ही बढ़ता रहेगा, देखो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो लिख दो 4 किलोमीटर का किराया बराबर, इसका तो लिखा नहीं, सॉरी लिख दीजिए, 23 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 31। वो इसका लिख देंगे 31 प्लस 8 बराबर 39। ठीक है, कुल मिलाकर जाए और डॉट डॉट करके अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसे ही 8 8 बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अपन पहले कह रहे हैं ना, पहला किलोमीटर जो चलेगा, प्रथम किलोमीटर जो चलेगा उसकी तो कितना चलेगा? 15। इसके बाद में जो 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो 8 किलोमीटर 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जुड़ते चलेंगे। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ऐड होता चला जाएगा। अब मान लो इसमें लिखेंगे अपन प्रथम पद, अब प्रथम पद हमें पता है, प्रथम पद हम ये मानते हैं, प्रथम पद ये बराबर मानते हैं, तो प्रथम पद क्या मानते हैं? प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए। और जब सार्वांतर क्या हो जाएगा? सार्वांतर डी। अब इसमें डी नहीं निकालना है हमें, हमें डी नहीं निकालना है, इसको पूरी को लिखना है, तो इधर लिखना है, जहां लिख सकते हैं अपन, चूंकि या इसलिए 15, 23, 31, 39। तो प्रथम किलोमीटर का तो मैंने एक लाइन लिखा नहीं है इधर, क्योंकि जहीन लिख दिया है मैंने, तो प्रथम प्रथम पद क्या हो जाएगा मान लो? 15। अब सार्वांतर D1, क्यों? क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि जब डी अकेला तब मानते हैं अपन, तब सार्वांतर एक ही निकालते हैं, इसमें 1 2 3 निकालना पड़ेंगे, तो सार्वांतर D1 D2 - D1 या D1 - D2, तो इसमें से इसको घटाएंगे कुल मिला के जो, तो D1 बराबर कितना आ जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो वही 8 आ जाएगा। फिर D2 कितना आ जाएगा? तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो वही 8 आ जाएगा। फिर D3 कितना आ जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो वही 8 आ जाएगा। लिख दो, अतः है यह समांतर श्रेणी, अतः यह समांतर श्रेणी है जी, इसका आंसर है। देखो इसमें वैसे सवाल बिल्कुल सरल है, इसको हमें तरीके से सेट करना है, कुल मिलाकर जो है वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए।